नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। अमरावती शहर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड रोड पर स्थित होटल शीतल लॉज एंड पंचम रेस्टोरेंट के पास छापा मारकर थाने पुलिस की अपराध शाखा ने शनिवार 29 दिसंबर को दो लोगों को 10 पिस्तौल व 40 जिंदा कारतूस की खेप के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सोमवार 31 दिसंबर को मुंबई पुलिस की थाने आर्थिक अपराध शाखा ने 9 वर्ष की पूर्व संध्या से कुछ समय पहले थाने में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर अपनी इस कार्रवाई को उजागर किया। नए साल से एक दिन पहले की शाम के मौके पर शहर में हथियार तस्करी की इतनी बड़ी वारदात उजागर होने की वजह से सनसनी सी फैल चुकी है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक थाने पुलिस की अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नितिन ठाकरे को सूचना मिली थी कि शिरडाईघर पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 व महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1) व 135 के तहत दर्ज अपराध में वंचित मुकेश नामक आरोपी 29 दिसंबर को 2 बजे अपने कुछ साथियों के साथ अमरावती रेलवे स्टेशन चौक के पास होटल शीतल लॉजिंग एंड पंचम रेस्टोरेंट में आने वाला है, जिसके बाद इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और वरिष्ठ अधिकारियों से मिले दिशा निर्देश के आधार पर 29 दिसंबर को होटल शीतल लॉजिंग एंड पंचम रेस्टोरेंट के पास जाल बिछाकर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने अपनी इस कार्रवाई में चांदूर रेलवे रहवासी शोएब इसहाक शेख 21 वर्षीय तथा अमरावती के बिस्मिल्लाह नगर परिसर में रहने वाले रहीम हबीब 32 वर्षीय को संदेह के आधार पर हिरासत में ले लिया। इन दोनों लोगों की झड़ती लेने पर शोएब इसहाक शेख के पास मौजूद एक काले रंग की बैग से लोहे व स्टील के बने 10 पिस्तौल हासिल हुई। वहीं रहीम शेख की पैंट की जेब से KF 7.65 लिखे हुए 40 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा इन दोनों के पास से 2 मोबाइल मिलाकर कुल 6,70,100 रुपए का सामान बरामद किया गया है। 29 दिसंबर को हिरासत में लिए जाने के बाद इन दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से इन्हें अगली पूछताछ के लिए 7 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में रखे जाने का आदेश दिया गया है। गौरतलब हो कि इस कार्रवाई की जानकारी न तो अमरावती पुलिस को थी और न ही मुंबई क्राइम ब्रांच ने अमरावती पुलिस को इस बारे में कोई सूचना दी थी। मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि आरोपी बड़ी साजिश के मकसद से अमरावती पहुंचे हुए थे। वह सुपारी लेकर हत्या के मकसद से अमरावती आए थे, लेकिन वह कुछ कर पाते इसके पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। द पावर ऑफ मीडिया पत्रकार संगठना के सदस्य व G24 तास के बुल्ढाना जिला प्रतिनिधि मयूर निकम, इनके घर के सामने खड़ी इनकी I-20 कार को अज्ञात लोगों ने आग के हवाले कर दिया। कार इस आग से पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है। यह घटना 30 से 31 दिसंबर की बीच मध्य रात्रि लगभग 12:30 बजे के करीब घटी। घटना की जानकारी तुरंत बुल्ढाना नगर परिषद के अग्निशमन दल को दी गई। अग्निशमन विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मयूर निकम की I-20 कार पूरी तरह से धुक धुक कर जलकर खाक हो चुकी थी। एक पत्रकार के साथ इस तरह की हरकत करने वाले व उनकी कार को आग लगाकर फरार होने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस तुरंत से तुरंत कार्रवाई करे व उन आरोपियों को सलाखों के पीछे ढकेल उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करे, अन्यथा अगर कार्रवाई में देरी की गई तो द पावर ऑफ मीडिया फाउंडेशन के सदस्य संपूर्ण जिला में अपने अपने स्तर पर अलग अलग तरीके से आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन का नेतृत्व सचिव अनिल कदम करेंगे। इस तरीके का इशारा संगठना के राज्य संयोजक संदीप बाजड़ इन्होंने दिया। विदर्भ केयर कमेटी के सदस्य मोहम्मद फारूक, अमोल नानोटकर, ऋषिकेश वाघमारे, नागपुर विभाग प्रमुख प्राध्यापक विश्वपाल हजारे, सचिव आशीष पावड़े, सरचिटनीस कुणाल गायकवाड़, मिलिंद कोंडे, अमरावती विभाग प्रमुख प्राध्यापक अजय देशपांडे, सचिव गणेश सोनौने, मकसूद अली, जका खान, पुणे विभाग प्रमुख प्रशांत काटे, अमरावती जिला अध्यक्ष उमेश लोटे, इसी तरह प्रशांत खंडारे, गणेश ढोके,
व इनके साथी संगठना के सदस्य व संगठना के अन्य कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे, ऐसी चेतावनी राज्य संगठक संदीप बाजड़ इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी व पुलिस विभाग से जल्द कार्रवाई का आह्वान किया है। विषय न्यूज एक पत्रकार के साथ घटी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता है व पुलिस विभाग से जल्द कार्रवाई की मांग भी करता है। धोप मल्टीपर्पज फाउंडेशन अमरावती व अमरावती महानगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित धोप महोत्सव 2018 का रंगारंग उद्घाटन 31 दिसंबर को अमरावती शहर के संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में हुआ। अमरावती जिले के 28 स्कूल के 350 अंध मतिमंद मुकबधिर असित व्यंग छात्र झोप दिव्यांग कला महोत्सव का हिस्सा बने, जिन्होंने नृत्य गायन वादन नाट्य पर एक से बढ़कर एक सदाबहार प्रस्तुतियां पेश की। कार्यक्रम में सरनवा ध्यासनवा फेम अंध गायक साहिल पांढरे का भव्य सम्मान मान्यवरों के हाथों से किया गया। 31 दिसंबर की सुबह समाजसेवी गोविंद कासट की अध्यक्षता में कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद दिव्यांग स्पर्धकों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। धोप मल्टीपर्पज फाउंडेशन की अध्यक्षा कोमल अशोक राउत ने बताया कि हर वर्ष धोप फाउंडेशन अमरावती द्वारा धोप महोत्सव का आयोजन किया जाता है। दिव्यांगों के सुस्त कला गुणों को मंच प्रदान करने आयोजित झेड महोत्सव के तहत इस वर्ष भी धोप महोत्सव 2018 का आयोजन किया गया। खुद के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन किसी और के लिए जीना भी महत्वपूर्ण होता है, यही सीख देकर दिव्यांगों के जीवन में नव उमंग भरने के लिए झोप महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वरुण तालुका के अंतर्गत आने वाले घोराड़, ढगा, वाथोड़ा, चांदस, पोरगवहान, एकदरा, बेसखेड़ा, अमनेर, उदापुर, इस्माइलपुर, पौनी, देउतवाड़ा, यहाँ की खेतियों पर ठंड के प्रकोप की वजह से जो दुष्परिणाम पड़ा है, उसकी वजह से कई किसानों की खेतियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों की उगाई हुई फसल पर 29 दिसंबर को पड़ी कड़ाके की ठंडी की वजह से दुष्परिणाम पड़ा है और उसकी वजह से किसानों की फसल बड़े पैमाने पर खराब हो चुकी है। सर्दियों के इस दुष्परिणाम की वजह से किसानों को भारी पैमाने पर आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। घोराड़ के किसान गोपाल भाकरे, इनकी मौजा सरलपुर, शिवरात गट नंबर 49 व 50 में बड़े पैमाने पर फसल उगी हुई थी। इनके खेत में मिर्ची, टमाटर, बैगन, कपास व अलग अलग फसलें बड़े पैमाने पर उगाई गई थी, लेकिन यह सारी फसल अब ठंड की वजह से खराब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अंदाजन किसान को 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों के हुए इस तरीके के बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान से
उनके सामने अपना जीवन व्यतीत किस तरीके से किया जाए इस बात को लेकर भी संकट आ चुका है। इस तरह की बड़ी मुश्किलों में सरकार उन्हें अपना जीवन त्यागने की इजाजत भी नहीं देती और जीवन में इस तरीके की दुविधा है कि जीने का हौसला भी नहीं है। कड़ाके की ठंड की वजह से शीत सत्र का पारा 3.3 तक नीचे जा चुका था, जिसकी वजह से ताजी ताजी फसलों पर भी बड़े पैमाने पर दुष्परिणाम पड़ा है। इस तरीके की मुश्किल भरी परिस्थितियों में सरकार को किसानों को आर्थिक मदद देनी चाहिए और किसानों को इस नुकसान से उबारने की कोशिश भी करनी चाहिए। ऐसा एक निवेदन आशीष कुमार बिजवल इन्होंने तहसील कार्यालय में दिया है और अपनी मांगे भी उन्होंने उसमें लिखी है। ठंड की वजह से किसानों की नई उगाई हुई फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और इसी तरह की मौसमी मार का सामना किसानों को 2011 व 2014 में भी करना पड़ा था और अब 2018 में भी यही संकट किसानों के सामने आकर खड़ा है। सरकार को इन हालात में किसानों की आर्थिक मदद करनी चाहिए, ऐसी मांग किसान कर रहे हैं। VCN न्यूज के लिए वरुण से नीलेश लोनकर की रिपोर्ट। 31 दिसंबर की तारीख के साथ ही साल 2018 हम सभी से रुखसत हुआ, लेकिन जब साल 2018 के पन्नों को हम भविष्य में पलटाएंगे तो यह साल हमें आईना दिखाता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, साल 2018 में अमरावती शहर की कानून व्यवस्था की तस्वीर बहुत विचित्र नजर आई। अमरावती शहर में महाराष्ट्र के 3 महानगरों के मुकाबले क्राइम का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आया। अमरावती शहर में रेप जैसी घटनाओं में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो कि पिछले 3 सालों से लगातार नीचे की ओर जा रही थी। आखिरकार 2018 में ऐसा क्या था जो हमें बहुत कुछ सिखा गया? पुलिस विभाग को इस बार 2018 से सीखने की ज़रूरत है कि 2019 की शुरुआत तो हम करें, लेकिन कम से कम 2019 ऐसा हो कि जब पुलिस का इकबाल वापस लौट आए। 2018 में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने पुलिसिया इकबाल को पूरी तरह से ख़त्म करके रख दिया। पुलिस विभाग को आने वाले 2019 में अपने उस इकबाल को वापस पाने की ज़रूरत है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि अमरावती शहर मुंबई, पुणे और नागपुर से भी आगे अपने क्राइम रेशो के हिसाब से निकल चुका है। अमरावती शहर में जुर्म पर पाबंदी हो, इसको लेकर पुलिस विभाग को एक नियोजनबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए। 2019 में एक बार फिर से उंगलियां पुलिस विभाग और ना उठे, इसके लिए पुलिस विभाग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि अमरावती शहर में बढ़ती हुई क्राइम की रफ्तार को कैसे थामा जाए। नए CP साहब 2019 आ रहा है, 2018 में जो कुछ हुआ उन सब चीज़ों को भूलकर शहरवासियों को और पुलिस विभाग को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। शहर में हर किसी को यह सोचना चाहिए कि हमारा शहर स्वच्छ हो और सुंदर हो। 2019 हमारे शहर की तस्वीर बदलने वाला हो, कम से कम गुनाह के मामले में तो तस्वीर बदल ही दी जाए, क्योंकि अमरावती शहर की जनता को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर हमारा शहर गुनाह करने के मामले में इतना आगे क्यों है। हमें हमारे शहर की इस छवि को बदलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पुलिस विभाग पर ठीकरा फोड़ देने से हमारी समस्याएं हल नहीं हो जाएंगी। हमें भी समाज में एक दूसरे के प्रति अपने नज़रिए को बदलना होगा, तभी जाकर 2019 हमारे शहर की नई तस्वीर को बनाने में हमारी मदद कर सकेगा। श्रद्धा फैमिली शॉपी में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपी में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपी एंड मॉल बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स नांदगांव पेट अमरावती।
संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिजाइनर साड़िया, घाघरा ओढ़नी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43-48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। विजया कॉन्वेंट व विजय स्कूल फॉर एक्सीलेंस की तरफ से आने वाले बुधवार 2 जनवरी 2018 की दोपहर 12 बजे से अमरावती शहर के संत ज्ञानेश्वर नाट्य सभागृह मोर्शी रोड पर अमरावती में अपने 5 वर्ष पूरे करने के अवसर पर स्नेह सम्मेलन में गुरुकुल एक प्रयास 75 बाल कलाकार, शिक्षक व व्यवस्थापन इनके सहयोग से बाल विद्यार्थियों की शैक्षणिक समस्या और उसके उपाय की योजनाओं पर आधारित महानाट्य का आयोजन किया गया है। गुरुकुल एक प्रयास इस महानाट्य की संकल्पना दिग्विजय देशमुख संचालक, अपूर्व रोकड़े तथा पद्मश्री देशमुख मुख्य अध्यापिका विजय कॉन्वेंट व विजय स्कूल फॉर एक्सीलेंस इन्होंने की थी। इसी तरह महानाट्य का सशक्त लेखन व दिग्दर्शन चंद्रकांत रामेश चंद्र शिंदे इन्होंने किया है। बचपन से ही शिक्षा के सफर में अनेक अड़चनों का सामना बच्चों को और विद्यार्थियों को करना पड़ता है। इस महानाटक का लाभ व आनंद सिर्फ स्कूल से जुड़े लोग ही नहीं, बल्कि इस आयोजन में हर कोई अपनी स्वेच्छा से आ सकता है। विजय कॉन्वेंट व विजय स्कूल फॉर एक्सीलेंस के संचालकों की तरफ से इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा प्रतिसाद देने का आह्वान अमरावती शहर वासियों से किया गया है। चंद्रकांत शिंदे, गुरुकुल एक प्रयास हे महाराष्ट्र विजय कॉन्वेंट आणि विजय स्कूल फॉर एक्सीलेंस यांच्या वतीने 2 जानेवारी 2019 रोजी दुपारी 12 वाजता सांस्कृतिक भवन मध्ये संत ज्ञानेश्वर नागपूर लेखक आणि दिग्दर्शक विघटक लर्निंग डिसॅबिलिटी या विषयावर अवलंबून असून या नाटकामध्ये ऑटोरेंजचे म्हणजे शाळेचे 375 विद्यार्थी यात भाग घेतात, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यात भाग घेतात आणि हे नाटक सर्व घरांमध्ये पोहोचावं आणि जिथे जिथे मुलांचे शैक्षणिक प्रॉब्लेम्स आहेत, जिथे जिथे शैक्षणिक अडचणी आहेत त्या विषयावर प्रकाश टाकणारं जे नाटक असून हे सर्व पालकांनी अमरावती शहराच्या आवर्जून बघावं। पूरे विश्व में मानव जाति को
सामूहिक प्रार्थना राष्ट्र वंदना के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का संदेश राष्ट्रसंत टुकड़ू जी महाराज ने गुरुदेव सेवा मंडल के माध्यम से दिया है। इसलिए किसान आत्महत्या रोकने और किसानों में आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुकुंज मोझरी में श्री शिवाजी लोक विद्यापीठ व जन सहयोग से बलि राजा का स्टैचू निर्माण किया जाएगा, ऐसी जानकारी 31 दिसंबर को आयोजित पत्र वार्ता में संचालक डॉक्टर मंगेश देशमुख ने दी है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि लगातार किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। विदर्भ में 1080 किसानों ने आत्महत्या की है। जिले में एक ही दिन 5 किसानों की आत्महत्याएं दर्ज की गई हैं। जिले की किसान महिला भी आत्महत्या का प्रयास कर रही हैं। किसानों के मन में आने वाले आत्महत्या के विचार को व्यक्त कर समुपदेशन करने के लिए श्रद्धा व शक्तिशाली स्थान होना चाहिए। वहां जाकर किसान आत्महत्या करने का विचार बदल सकते हैं। राष्ट्रसंत की पावन नगरी में ऐसे व्यक्ति अपनी दुखी भावना बड़ी राजा के स्टैचू के सामने प्रकट कर मन हल्का करें, प्रार्थना करें और फिर नई उमंग के साथ जीवन शुरू करें। इस उद्देश्य से गुरुकुंज मोझरी में बड़ी राजा का स्टैचू स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 9 माह में निर्माण होने वाले इस स्टैचू पर करीब 10 लाख रुपए खर्च आएगा, जिसे जन सहयोग से निर्माण किया जाएगा। निजी जमीन पर वह पुतला स्थापित होगा, ऐसी जानकारी श्री शिवाजी लोक विद्यापीठ के अध्यक्ष मंगेश देशमुख ने दी। लोक शिक्षणाची लोक विद्यापीठाची संकल्पना या देशामध्ये भारताचे पहिले कृषी मंत्री डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांनी 30 डिसेंबर 1950 रोजी अमरावती आज देशामधील शेतकरी हा दिवसेंदिवस आत्महत्या करीत आहे। गुरुकुंज मोझरी येथे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी ग्रामगीता राष्ट्रवंदना सामूहिक प्रार्थनेचा जो संदेश लोकाभिमुख केला त्यामध्ये ग्रामगीता ही शेतकऱ्यांना अर्पण केली आहे। या बळीराजाच्या पुतळ्याकडे ज्याचं मन व्यथित झालेलं आहे, दुःख झालेलं आहे, त्याने येऊन श्रद्धेने आत्मविश्वासाने आपलं त्याने आपलं मन मोकळं करावं, त्याच्या दुःख वेदना व्यक्त कराव्यात आणि बळीराजाच्या आशीर्वादाने आत्मविश्वासाने परत जीवन आनंद प्रेम आणि धारसाने जगावं असे हे श्रद्धेय काम आहे। स्वतंत्रता के बाद से आज तक खामगांव जिले की इतनी पुरानी मांग नए वर्ष 2019 में चुनाव से पूर्व क्या वाकई खामगांव जिले की घोषणा हो जाएगी, ऐसी प्रतीक्षा खामगांव परिसर के नागरिक बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। खामगांव सहित घाट के नीचे की 6 तहसीलों के निवासियों की बदनसीबी कहिए कि आज तक खामगांव जिला नहीं बन पाया। कमजोर राजनेताओं के कारण बरसों पुरानी इस मांग की ओर आज तक सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि हर एक सरकार ने केवल आश्वासनों का लॉलीपॉप ही जनता को थमाया है। विधानसभा के पिछले चुनाव में प्रचार के लिए आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आवाम से यही सवाल कर अपने जज्बाती बयान में पूछा था, क्या खामगांव जिला बन गया, क्या खामगांव जालना रेलवे लाइन बन गई, यदि आप चाहते हैं तो हमारे प्रतिनिधि को चुनकर लाएं। आज उन्हें चुनकर लाने के बाद तकरीबन 4.5 वर्ष का काल पूरा हो चुका है, फिर भी आज तक खामगांव जिले की तथा खामगांव जालना रेलवे लाइन की मांग पर ध्यान ही नहीं दिया गया। जिले के पुराने प्रतिष्ठित तथा बुजुर्ग नागरिक और निष्ठावंत नेतागण परलोक सिधार गए हैं, बस उनके दिलों में खामगांव जिले की हसरतें बाकी रह गई हैं, लेकिन सरकार ने इस मांग पर आज तक ध्यान ही नहीं दिया। अगर सचमुच सरकार चाहती तो खामगांव को बहुत पहले ही जिले का दर्जा दे सकती थी। हम किसी का हक मारकर खामगांव जिला नहीं बनाने जा रहे, बल्कि बुलढाणा जिले को विभाजित कर खामगांव को नया जिला बनाने की मांग की जा रही है। खामगांव जिले में खामगांव, शेगांव, नांदूरा, मलकापुर, संग्रामपुर और जलगांव जामोद, इन 6 तहसीलों का समावेश होगा। इस मांग को लेकर कई बार आंदोलन भी किए जा चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस बात की लगातार अनदेखी की है। इसी के चलते खामगांव का विकास नहीं हो पाया। इस बार सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए कहा जा सकता है कि खामगांव जिला बनने के लिए 2019 शुभ वर्ष साबित हो सकता है।
दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक राव चौहान, पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख जब भी खामगांव दौरे पर आए उन्होंने यह घोषणा करने में कोताही नहीं बरती, राज्य में जब भी नए जिले बनाए जाएंगे तब खामगांव का विचार कर उसे प्राधान्य दिया जाएगा। 13 जून को राज्य सरकार ने ठाणे जिले का विभाजन कर पालघर को नया जिला बनाने की घोषणा की, खामगांव को फिर ठेंगा दिखा दिया गया। सरकार के इस निर्णय से खामगांव परिसर के नागरिकों ने नाराजगी दिखा दी। इसी नाराजगी के कारण 1 मई 2018 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा खामगांव में पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा के नेतृत्व में सैकड़ों पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने स्थानीय महात्मा गांधी पुतले को हार अर्पित कर जेल भरो आंदोलन कर रोष व्यक्त करते हुए खामगांव जिला और जालना रेलवे लाइन की मांग की। 4 वर्ष अगोदर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे खामगाव येथे प्रचार सभेला आले होते। या प्रचार सभेमध्ये विधानसभेची च्या निवडणूक होती, त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं खामगाव जिल्हा झाला काय, खामगाव जालना रेल्वे लाईन आली काय, आता तुम्ही आम्हाला मतदान करा, आम्ही तुम्हाला खामगाव जिल्हा देऊ, खामगाव जालना रेल्वे मार्ग लाईन देऊ। परंतु मागील 4 वर्षापासून देशापासून गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत त्यांची सत्ता आहे, म्हणजे त्यांनी जनतेचा विश्वासघात केलेला आहे। 4 वर्ष झाले, म्हणजे फेकू सरकारचं एक ज्वलंत उदाहरण यांच्या माध्यमातून लोकांच्या समोर आलं आहे। और खामगाव में चुनावी प्रचार के समय प्रधानमंत्री मोदी ने खामगाव जिले का और खामगाव जालना रेलवे लाइन का जो वादा किया था उस वादे को याद दिलाने के लिए यह जेल भरो आंदोलन किया गया। हालांकि नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने आयुक्त और जिलाधीश को जनवरी 2019 तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस कारण थोड़ी उम्मीद नज़र आती है कि शायद 2019 के चुनाव से पूर्व खामगांव जिले की घोषणा हो जाएगी। खामगांव जिला घास पाहिजे, खामगांव जिला घास पाहिजे, असा कसा देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही, असा कसा देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही। बुलढाणा जिले में 13 तहसीलें हैं। आज की घड़ी में बुलढाणा जिले की जनसंख्या 25 लाख से अधिक है। नागपुर, अमरावती, यवतमाल के बाद बुलढाणा जिले की जनसंख्या अधिक है। हालांकि वाशिम, वर्धा, भंडारा, गढ़चिरौली की जनसंख्या 10 से 12 लाख है, इसलिए खामगांव जिला बनना ही चाहिए, ऐसी खामगांव परिसर के नागरिकों की मांग है। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। समाचारों में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।